Time is money, लेखक एडेन नोलन। लेखक एडेन नोलन। अध्याय एक, हम टालमटोल क्यों करते हैं। टालमटोल के कारण। मैंने पहले ही वैज्ञानिक रूप से समझाया है कि हम टालमटोल क्यों करते हैं, लेकिन अब मैं उन सभी तरीकों पर चर्चा करने जा रहा हूं जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं और जिनमें असफल होते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य विधि। जब काम पूरा करने की बात आती है तो यह एक बहुत ही आम तरीका है, या पुराने टालमटोल करने वाले के मामले में एक आम तरीका होगा, ऐसी चीजें जो मैं करना चाहता हूं लेकिन कभी नहीं कर पाऊंगा। जब लक्ष्य हासिल करने की बात आती है तो विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड आपके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत कम लोग अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य से दीर्घकालिक रूप से प्रेरित होते हैं। समस्या यह है कि बाहरी प्रेरणा बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए आपकी भावनात्मक प्रेरणा को जगाने के लिए एक अलग छवि या वस्तु, नवीनता की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तर्कसंगत मस्तिष्क पशु मस्तिष्क पर हावी नहीं हो सकता। लक्ष्य प्राप्त करने के तीन भाग हैं। नंबर एक, परिभाषित करें कि आप क्या चाहते हैं। नंबर दो, लक्ष्य पर लगातार ध्यान केंद्रित करें। नंबर तीन, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से होने वाले प्रतिरोध को दूर करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने लक्ष्य पर कैसे ध्यान केंद्रित करते हैं, हर किसी का इसे करने का एक अलग तरीका होता है। मंत्र, अपने लक्ष्यों को रोजाना लिखना, विजन बोर्ड या विजुअलाइजेशन बस कुछ नाम है। यह सब एक ही बात पर निर्भर करता है, आपको अपने लक्ष्य या उद्देश्य पर लगातार ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सच कहा जाए तो आप क्या चाहते हैं और आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह लक्ष्य प्राप्ति और काम पूरा करने के मामले में बहुत कम मायने रखता है। इतने सारे लोगों को अपनी मनचाही चीजें करने में परेशानी होने का कारण प्रतिरोध है। मुख्य बात यह है कि आपको कार्रवाई करने के लिए प्रतिरोध को दूर करने या हल करने की आवश्यकता है। इसे सरल शब्दों में कहें तो यदि आप प्रतिरोध को हल कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छानुसार लगभग कुछ भी पा सकते हैं। मैं इसे फिर से दोहराता हूं, यह सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यदि आप अपने प्रतिरोध को हल कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छानुसार लगभग कुछ भी पा सकते हैं। आप क्या चाहते हैं यह परिभाषित करना और यहां तक कि उस पर रोजाना ध्यान केंद्रित करना आसान है। सबसे मुश्किल काम है इससे होने वाले प्रतिरोध से निपटना। प्रतिरोध कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे डर, गुस्सा, चिंता, हताशा, भ्रम, थकान महसूस करना आदि। अगर आपको वह काम करने में परेशानी हो रही है जो आप करना चाहते हैं तो आप उस काम या चीजों को करने के लिए प्रतिरोध कर रहे हैं। बेशक अगर कोई दृढ़ निश्चयी हो तो आखिरकार वह अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि वे भौतिक दुनिया में प्रतिरोध को हल कर रहे होंगे। आप जानते हैं क्या होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, फ्लू हो जाएगा, आपके जीवन में बड़ी मुश्किलें और कष्ट आएंगे, विपत्तियां आएंगी आदि। अगर आप इससे बाहर निकल पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपना प्रतिरोध हल कर लिया है। क्यों? क्योंकि यह सब भौतिक प्रतिरोध से ज्यादा कुछ नहीं है। इच्छा शक्ति विधि। इच्छा शक्ति विधि दीर्घकालिक विधि के साथ साथ चलती है, क्योंकि बहुत से लोग कुछ करना चाहेंगे और महसूस करेंगे कि उन्हें ऐसा करने के लिए खुद को मजबूर करना होगा। गर्मियों में कुछ पाउंड वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित करें। खुद को सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर करें, जिम जाने के लिए मजबूर करें, कैलोरी सीमित करने के लिए मजबूर करें, स्वस्थ खाने के लिए मजबूर करें। आप समझ गए होंगे, इसलिए प्रतिरोध के सामने कुछ भी हासिल करना बहुत मुश्किल है। इस ग्रह पर बहुत कम लोग हैं जो प्रतिरोध के दर्द को सह सकते हैं जब आप घुटने तक गहरे इसके बीच खड़े होते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
अगर आप यह किताब पढ़ रहे हैं तो आप अनुशासन के साथ प्रतिरोध पर काबू पाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। जो चीज विलंब करने वालों के लिए इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना इतना भयानक तरीका बनाती है। क्या यह है कि हर बार जब आप किसी काम में असफल होते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यह सबूत दे रहे होते हैं कि आप यह नहीं कर सकते? आप विफलता का चक्र बना रहे हैं। जब भी आप कुछ करने के लिए तैयार होते हैं तो आपका अवचेतन मन कहेगा, ठीक है, यह समय की बर्बादी है, आप इसे हर चीज की तरह पूरा नहीं करेंगे। इसके बाद क्या होता है? आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, आप खुद से कहते हैं कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। आप खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं और कुछ दिनों या हफ्तों के बाद आप रुक जाते हैं, बस अपने अवचेतन मन को यह पुख्ता करते हुए कि हां, आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा नहीं करते। बहुत आम, बहुत प्रभावी नहीं। आपके पास केवल इतनी इच्छा शक्ति है और आपको खुद से जो कुछ भी करवाना है वह इच्छा शक्ति टैंक को खाली कर देता है। यही कारण है कि आप शुरुआत में खुद को कुछ करने के लिए मजबूर कर पाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप इसे और नहीं कर पाते। किसी नए व्यवहार को शुरू करने के लिए इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर लेते हैं। उस व्यवहार को आदत में बदलने के लिए लगातार बने रहने के लिए कभी भी पर्याप्त इच्छा शक्ति नहीं होती। सजा, समय सीमा तय करना, और अगर आप समय सीमा पर नहीं पहुंचते हैं तो इसका बुरा नतीजा निकलता है। किसी ऐसे संगठन को पैसे दान करें जिससे आप नफरत करते हैं। खुद को प्रेरित करने के लिए नकारात्मक आत्मचर्चा करना, जिससे लेबल लगाने और खुद के बारे में नकारात्मक धारणाएं बनाने की कोशिश होती है। अगर आप खुद को टालने वाला, आलसी, असफल या इससे भी बुरा कहते रहेंगे तो आप इस पर यकीन करने लगेंगे। सजा वास्तव में आपकी प्रेरणा को चोट पहुंचा सकती है और आपके आत्मसम्मान को कम कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपनी समय सीमा के करीब पहुंचते हैं तो आपका तनाव बढ़ जाता है और यह वास्तव में आपके प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाता है। आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाने के लिए किसी चीज का उपयोग करके भावनाओं से बचना चाहेंगे। यदि आप वास्तव में अपने आप को हाथ में मौजूद कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो आप अपने टालने के तरीकों पर वापस जाने के बजाय न्यूनतम प्रयास करेंगे। परिचित लग रहा है? आप सजा पर ध्यान केंद्रित करके अपने ध्यान को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अधिकांश लोग नकारात्मकता से प्रेरित नहीं होते हैं, अन्यथा दुनिया में इतने सारे टालने वाले लोग नहीं होते। अधिकांश लोग पुरस्कार से प्रेरित होते हैं, सजा से नहीं। इसलिए सजा पर ध्यान केंद्रित करके आप पुरस्कार पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। जब आप कोई आदत बनाते हैं तो आप हमेशा पुरस्कार के साथ व्यवहार समाप्त करते हैं, कभी सजा नहीं। यही बात समय सीमा पर भी लागू होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिक लोग समय सीमा पर पहुंचने के लिए एक बड़े रसदार पुरस्कार से प्रेरित होंगे। वे यह जानने से अधिक प्रेरित होंगे कि यदि वे लक्ष्य से चूक जाते हैं तो उनके लिए एक सजा का इंतजार है। नकारात्मक आत्मचर्चा की आदत बदलना। इस बात से अवगत होना शुरू करें कि आप खुद से क्या कह रहे हैं। इसके लिए कुछ सचेत प्रयास करने होंगे। हमारा मन निरंतर गतिशील रहता है और केवल वही व्यक्ति जो ध्यान में अनुभवी है वह जानता है कि मन को शांत करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। अगर आपका मन आत्तन नकारात्मक आत्मचर्चा पर केंद्रित है तो खुद को दोष न दें। यह वास्तव में चीजों को और खराब कर देता है। एक बार जब आप इस बात से अवगत हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो उस व्यवहार के प्रति अपनी जागरूकता को पुरस्कृत करना शुरू करें। आपका मस्तिष्क पुरस्कार पसंद करता है अपने द्वारा किए गए हर सकारात्मक कार्य के लिए खुद को पुरस्कृत करने के तरीके खोजें। टालमटोल के चार कारण। नंबर एक, उदासीनता। नंबर दो, व्याकुलता। नंबर तीन, अनिर्णय। नंबर चार,
चिंता और भय। उदासीनता, पशु मस्तिष्क नहीं चाहता कि आप कुछ करें जब तक कि उसे पता न हो कि कार्य पूरा करने के लिए तत्काल पुरस्कार है। आप तत्काल पुरस्कार का उपयोग एक शक्तिशाली आंतरिक प्रेरणा बनाने के लिए कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह एक वास्तविक पुरस्कार होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे आप वास्तव में पुरस्कृत करने वाला मानते हों। आपका मस्तिष्क बेवकूफ नहीं है, यह आपका मस्तिष्क है। आपको पता चल जाएगा कि आप खुद को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। अजवाइन का एक टुकड़ा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पुरस्कृत नहीं है जो व्यायाम शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जबकि चॉकलेट केक का एक स्वादिष्ट टुकड़ा उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद है। ध्यान भटकाना, जानवरों का मस्तिष्क आसानी से विचलित हो जाता है। यह तत्काल खतरों और अवसरों पर प्रतिक्रिया करता है और ध्यान केंद्रित करना कठिन बनाता है, जिससे आप काम करने से बचना चाहते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अपने लक्ष्यों की ओर लगातार काम करने के लिए जल्दी और आसानी से लेजर जैसा ध्यान कैसे प्राप्त करें। जीवन के अधिकांश क्षेत्रों की तरह ध्यान केंद्रित करना भी एक मांसपेशी है। यह ऐसी चीज है जिसे आसानी से मजबूत बनाया जा सकता है। अनिर्णय, बहुत से लोग इसलिए टालते हैं क्योंकि वे खुद के बारे में अनिश्चित होते हैं, इसलिए आमतौर पर बस करो का उपदेश दिया जाता है। जब आपको दो या अधिक चीजों के बीच चुनाव करना होता है, जानवरों का मस्तिष्क आपको उस निर्णय से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देगा। यह मजेदार है कि जब आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते, तो अपने कमरे की सफाई करना कितना वांछनीय हो जाता है। यही वह चीज है जो आपको इंटरनेट ब्राउज करने या वीडियो देखने के लिए प्रेरित करती है, जबकि आपको पता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पशु मस्तिष्क आपको काम से पूरी तरह बचने या जो कुछ भी कर सकता है करने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि आप कोई निर्णय लेने या कार्रवाई करने से बचें। इसका मतलब है कि आप काम तो करेंगे, लेकिन आप वह काम नहीं करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके लिए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए इस अनिर्णायक पैटर्न को तोड़ने का एक सरल तरीका है, जिसके बारे में मैं बाद में पुस्तक में चर्चा करूंगा। ध्यान भटकाने की तरह ही अनिर्णायकता भी आपको काम से बचने के लिए प्रेरित करती है। चिंता और डर, यह मनुष्यों में लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया को सामने लाएगा। दुर्भाग्य से हमारे लिए हिरणों की तरह मनुष्य भी भागने के लिए कठोर रूप से तैयार हैं। एक बार डर आने पर हमें उस स्थिति से बाहर निकलना होगा। हम चिंता या डर पैदा करने वाली किसी भी चीज से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। यही कारण है कि जब आप किसी नकारात्मक भावना का अनुभव करते हैं, तो आप खुद को भागने की कोशिश करते हुए पाते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन हर बार जब आप जिम जाने के बारे में सोचते हैं, तो आपको चिंता होने लगती है। इसलिए आप अपने दिमाग को विचलित करने और भावनाओं को दबाने के लिए फेसबुक ब्राउज कर सकते हैं या ऑनलाइन कुछ वीडियो देख सकते हैं। भागने से किसी भी तरह से स्थिति बेहतर नहीं होती, बल्कि यह इसे और भी बदतर बना देती है। यह बस यही है कि कैसे टालमटोल करने वाले लोग भावनाओं से दूर होने के लिए अपनी स्वाभाविक उड़ान प्रतिक्रिया का उपयोग करते हैं। व्यायाम। नंबर एक, अतीत में आपने खुद को प्रेरित करने के लिए दंड का उपयोग करने के कुछ तरीके क्या हैं? नंबर दो, जब आप कोई गलती करते हैं या किसी ऐसी चीज को बार बार दोहराते हैं जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप खुद से नकारात्मक तरीके से कैसे बात करते हैं? नंबर तीन, आप खुद को कैसे पुरस्कृत करना शुरू करेंगे? उन तरीकों की सूची बनाएं जिनसे आप खुद को पुरस्कृत करेंगे जब आपको पता चलेगा कि आपने कोई गलती की है।